नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। आप देख रहे हैं टेक्निकल एंड हमारे खास एपिसोड क्वार्क एक्सप्रेस की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके क्वार्क एक्सप्रेस पेज से जो टूल बार होता है वो अगर किसी तरीके से हाइड हो जाता है तो वो आप किस तरीके से आप उसको अनहाइड कर सकते हैं, यानी कि उसको वापस ला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि ये एक हमारे यूज़र ने हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि सर अगर हमारा टूल बार हाइड हो जा रहा है तो उसको किस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। तो उन्हीं के कमेंट को हम पढ़ते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको भी अगर जो चीज़ ना समझ में आई हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो जो टूल बार है वो हाइड हो जाता है तो उसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं हम लोग, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दें, तो इसलिए स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और वीडियो चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए आप लाल वाले बटन दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने पेज पर का जो टूल बार है वो किस तरीके से आप रिकवर करेंगे या फिर अनहाइड कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और आज आपको बताते हैं कि आप अपने क्वार्क एक्सप्रेस पर के पेज पर जो टूल बार होते हैं उसे कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे अपना क्वार्क एक्सप्रेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपना क्वार्क एक्सप्रेस ओपन कर रहे हैं और इसके बाद हम ओपन करेंगे अपना पेज। तो जहां पर भी आपका पेज हो वो पेज आप ओपन कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पेज है उस पर एक टूल बार होते हैं जिनकी मदद से आप अपना पेज को बना सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पेज ओपन हो चुका है और आप देखेंगे कि ये जो साइड में देख रहे हैं तो ये साइड में टूल बार हैं और एक ये देखिए आप देखें मेजरमेंट बार, इसे कहते हैं मेजरमेंट बार, और ये बाकी स्टाइल सीट हैं, ये कलर की स्टाइल सीट है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये चार हमारे पेज पर जो मुख्य चीज़ें हैं वो ये चारों हैं और इसको आप किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। बाय द वे आपके किसी तरीके से गलती से ये कट हो जाए, अब आप सोच रहे हैं कि ये हम किस तरीके से दोबारा वापस लेके आएं या फिर ये आपका मेजरमेंट बार जो है वो कट हो जाए तो कैसे आप वापस ला सकते हैं, स्टाइल शीट कट हो जाए कैसे या कलर शीट कट हो जाए तो वो किस तरीके से आप इसे रिकवर कर सकते हैं या फिर इसको अनहाइड कर सकते हैं जो कि अभी आपका ये हाइड हो चुका है। तो दोस्तों एक हमारे यूज़र ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ था कमेंट के माध्यम से कि सर हमारा टूल बार हाइड हो चुका है, उसको हम किस तरीके से रिकवर करें। दोस्तों उन्हीं के कमेंट को देखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो पेज है आपका, तो कोई सभी पेज हो सब में एक अपना ये टूल बार और मेजरमेंट बार और स्टाइल शीट और कलर की स्टाइल शीट होती है। तो अगर ये आपको किसी तरीके से या फिर डिलीट हो जाए या फिर कट हो जाए तो दोस्तों इसके करे से आप जो है इसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है जाना होगा व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को जो मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ दिया हुआ है कि शो टूल, और जो कि आप इसको क्लिक करेंगे शो टूल पर तो आपके सामने यहाँ पर आपके जो टूल बार है वो आपका जो है अनहाइड हो चुका होगा, आपके सामने आपके पेज पर दिखाई देने लगेगा। दोस्तों अब इसको मैं फिर से कट करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर व्यू पर जाएंगे, व्यू पर जाने के बाद आप यहाँ पर दिया हुआ शो टूल्स, तो जिसका शॉर्टकट की अगर हम बात करें दोस्तों F8 है इसका शॉर्टकट की, तो आप अपने कीबोर्ड से अगर F8 प्रेस करेंगे तो भी वो हाइड और अनहाइड होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड और शो के लिए आप F8 अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका शो हो गया और जो कि टूल बार इसे कहते हैं हम, और उसके बाद में हम चलते हैं मेजरमेंट बार पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यू पर जाएंगे और ये दूसरा आपका दिया हुआ है शो मेजरमेंट्स। दोस्तों यहीं पर आपसे जो F9 जिसका शॉर्टकट की है, तो F9 जैसे ही प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपके जो नीचे की ओर है या फिर जहाँ पर ऊपर भी आपने रखा हुआ तो हो सकता है ऊपर की तरफ, तो ये जो आपके जो मेजरमेंट बार है वो आपके सामने हो जाएगा, जो शो हो जाएगा और आपके पेज पर ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से मैं इसको कट करके दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पर व्यू पर जाएंगे या फिर अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट बॉक्स आपके यूज़र इंटरफेस से जो कट हो चुका है उसको आप वापस ला सकते हैं। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अपने अगले तरफ और यहाँ पर दिया हुआ है स्टाइल शीट। दोस्तों यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है शो स्टाइल शीट जिसका शॉर्टकट की है वो है F11। तो F11 पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो पेज की जो आपका टेक्स्ट
मैटर की जो स्टाइल सीट है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी होगी। और इसी तरीके से अगर कट करके फिर से मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर व्यू पर जाएंगे, व्यू पर जाने के बाद आप शो स्टाइल सीट्स पर क्लिक करेंगे और स्टाइल सीट पर क्लिक करने के बाद F11 जिसका शॉर्टकट की है अपने कीबोर्ड पर, आप F11 प्रेस करेंगे तो वो स्टाइल सीट आपके सामने आ जाएगी। दोबारा से F11 प्रेस करेंगे तो वो स्टाइल सीट आपकी यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगला चलते हैं हम कलर स्टाइल सीट पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो शो कलर्स है जिसका शॉर्टकट की है F12, तो F12 जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही आपके जो कलर की स्टाइल सीट है दोस्तों वो आ चुकी होगी यहाँ पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फिर से कट करके दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ही अपने कीबोर्ड से आप F12 प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ पर व्यू पर जा करके यहाँ पर दिया हुआ है शो कलर्स, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वो स्टाइल सीट आपके पेज पर आ चुकी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेज पर किसी भी टूल बार को, मेजरमेंट बार को, स्टाइल सीट को आप अपने पेज से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, जो कि अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट मदद से भी कर सकते हैं और यहाँ पर व्यू पर जा करके भी आप सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी कुछ नया पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम उसका उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे, उसका वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में ये भी बताइए कि आज के इस वीडियो से क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या आपने कुछ नया जाना, और वीडियो के किसी पार्ट में जो चीज़ ना समझ में आई हो तो दोस्तों आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे, उसका उत्तर देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए लाल वाले बटन दबा करके आप हमारे चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होती रहे। दोस्तों जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे द्वारा अपडेट किए गए हर एक वीडियो आप तक पहुंचता है और आप उसको देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों एक बात और खास बात बता दें कि अगर आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमने उसका लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।